Welcome friends, in this tutorial we will discuss about file system versus DBMS. Okay, so as we discussed in previous video about DBMS, normally DBMS database management system क्या होता है और आज हम जानेंगे फाइल सिस्टम के बारे में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ओके सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की. हमें डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट क्यों हुई जब हम फाइल सिस्टम को नॉर्मली यूज में लेते थे? तो जो सिनेरियो था इन 90s का, 1970 के बाद का जो सिनेरियो था, जब जहाँ पे आपका फाइल सिस्टम नॉर्मली इन यूज में था, तो हमें DBMS की नॉर्मली रिक्वायरमेंट क्यों हुई? देखो, फाइल सिस्टम नॉर्मली होता क्या है, जैसे आप अपने लैपटॉप्स के अंदर डेटा स्टोर करते हो तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आपका जो सिस्टम आता है वो होता है फाइल सिस्टम. इसके अंदर नॉर्मली आप डेटा स्टोर किस फॉर्मेट में करते हो, यहाँ पे आपका जो डेटा स्टोर होता है एक हायरार्की फॉर्म में आप अपने डेटा को स्टोर करते हो. जैसे किसी फाइल को आपने सेव किया और उसको आप डी ड्राइव, ई ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर देन उसका सब फोल्डर, तो वहाँ पे जो आपका डेटा स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म के अंदर हो रहा है? हायरार्की फॉर्म के अंदर. और यहाँ पे फाइल सिस्टम के साथ होता क्या है, नॉर्मली जो यूज़र होता है, सिंगल यूज़र होता है, वही उस डेटा को सर्च कर सकता है, नॉर्मली उसको यूज कर सकता है, उसको स्टोर कर सकता है. ओके, इन ए हायरार्की फॉर्म, वो डायरेक्टली उस डेटा को नॉर्मली एक्सेस नहीं कर सकता है. अब बात आती है कि जो DBMS होता है वो नॉर्मली हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, हमें DBMS की नीड या रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो जो DBMS है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो आपको एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवाता है. इट्स मीन्स जो आपका डेटा होता है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाता है. आपके आपका जो डेटा होता है उसको एक सिंगल यूजर यूज ना करके वहाँ पे मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर रहे होते हैं कंकरेंट. मींस एक साथ मल्टीपल यूजर्स आपके डेटा को वहाँ पे यूज कर रहे होते हैं. इसलिए हमें सिक्योरिटी के रीजंस को लेके, सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो आपका जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर नॉर्मली आपको कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह नहीं मिलती है. जैसे कि नॉर्मली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके पास सिक्योरिटी है, अगर वो किसी को पता चल गया देन आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड उसने डाला और आपके जितनी भी ड्राइव्स है उनको ओपन कर लेगा. लेकिन DBMS आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, रोल बेस्ड सिक्योरिटीज प्रोवाइड करवाता है. हर एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर का डेटा वहाँ पे रखा हुआ है और मल्टीपल डेटा जो यूजर है उनको कंकरेंटली एक्सेस कर रहे हैं, एक साथ उसको एक्सेस कर रहे हैं. तो वहाँ पे हर एक यूज़र को नॉर्मली होता क्या है कि अलग अलग वहाँ पे सिक्योरिटी मेथड्स या उनको उनका जो अथेंटिकेटेड डेटा है वो प्रोवाइड किया करवाया जाता है. एक लिमिटेड एक्सेस उनको प्रोवाइड करवाई जाती है थ्रू DBMS. तो फाइल सिस्टम में नॉर्मली हम ये नहीं प्रोवाइड करवा सकते. ओके, देन हम बात करते हैं DBMS की. तो DBMS आपका जो ऑनलाइन जब आप किसी वेबसाइट पर रन करते हो तो जहां आप किसी भी वेबसाइट से डेटा को एक्सेस कर रहे होते हो, आपकी अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, फेसबुक है, तो जब भी आप फ्रंट एंड यूजर जहां पे आप किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू डेटा को एक्सेस कर रहे होते हो तो देन वहां पे आपको जो सपोर्ट कर रहा होता है वो कौन होता है, आपका DBMS. हर एक यूजर को अकॉर्डिंग देयर नीड या अकॉर्डिंग देयर जो डेटा उनका उनको चाहिए उसी को वो सर्व करना, ये होता है DBMS का वर्क. यहाँ पे आपका फाइल सिस्टम है वो फेल हो जाता है. फाइल सिस्टम नॉर्मली जो आपके लोकल जो आपकी डिवाइसेज है उनके अंदर फोल्डर से सब फोल्डर देन अदर्स फोल्डर्स उनमें डेटा को वन बाय वन, जैसे हम पाथ देखते हैं किसी भी फाइल का, सी ड्राइव के अंदर देन किसी फोल्डर के अंदर देन किसी सब फोल्डर स्लेस वगैरह लगे होते हैं और उसका एक पूरा पाथ होता है, तो इस प्रकार से आपके डेटा को स्टोर करता है आपका फाइल सिस्टम. नॉर्मली अपने लैपटॉप के अंदर NTFS या CIF फाइल सिस्टम आपने देखे होंगे जो इनबिल्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ,
तो आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम नॉर्मली इनके अंदर जो मेन डिफरेंसेज है बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस, तो वो यहाँ पे हम जानने वाले। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, डीबीएमएस सेव्स डायरेक्टली इन डेटाबेस बट फाइल सिस्टम नॉट, इज एक्ट लॉकली। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइक ऑनलाइन जब आप किसी वेबसाइट में अपना डेटा स्टोर करते हो, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आपका डेटा स्टोर्ड है, वो सेंट्रलाइज्ड हो चुका है आपका डेटा। आप कहीं से भी उस डेटा को कंकरेंटली या कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। बट फाइल सिस्टम में क्या होता है, आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर अपना डेटा स्टोर कर रहे हो। तो लाइक आपका अपना जो खुद का लैपटॉप है, उसमें आप अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हो, वो आपका डेटा सेंट्रलाइज्ड नहीं है। जब हम बात करते हैं एक साथ मल्टीपल यूजर डेटा एक्सेस करते हैं, देन वहाँ पे आपका डीबीएमएस होता है। और जो लोकली एक बंदा अपना खुद का डेटा एक्सेस कर रहा होता है, वो होता है आपका फाइल सिस्टम। सेकंड पॉइंट इज वेल अरेंज्ड एंड परमानेंट डेटा बेस्ड लोकेशंस एंड इन फाइल सिस्टम सेव्स इन टेम्पररी लोकेशंस। तो जो आपका डीबीएमएस है, वो आपके डेटा को टेबल्स के अंदर स्टोर करता है, वहाँ पे मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स प्रोवाइड करवाता है डेटा को टू सिक्योर यूनिकली योर डेटा। लाइक वहाँ पे आपको कीज प्रोवाइड करवाता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, दैट वुड बी इन कवर नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे डीबीएमएस है, वो आपको प्रोवाइड करवाता है आपके डेटाबेस को वेल अरेंज्ड, परमानेंटली उनको स्टोर करता है एक या सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, जिनको हम बोल सकते हैं वहाँ पे। जबकि आपका फाइल सिस्टम, आपकी जो टेम्पररी फाइल्स है, नॉर्मली आपका जो एक पर्टिकुलर डिवाइस है, उसी के अंदर नॉर्मली आपको स्टोर करवाता है। बाय डिफॉल्ट या बाय द चांस आपका डेटा लॉस्ट हो जाता है, देन वहाँ पे चांसेस कम होते हैं दैट डेटा को रिकवर करने के। लेकिन इन डीबीएमएस देयर आर मैनी ऑप्शंस टू रिकवर योर डेटा। थर्ड इज इन डीबीएमएस देयर आर मैनी ट्रांजेक्शंस लाइक इंसर्ट, डिलीट, व्यू, अपडेटिंग आर पॉसिबल, बट इन फाइल सिस्टम दीज ऑल आर ट्रांजेक्शंस आर नॉट वैलिड। लाइक आप किसी भी वेबसाइट पे रन करते हो, देन वहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट कर सकते हो, चाहे वो कितने भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस के अंदर आपका डेटा स्टोर्ड है। लेकिन फाइल सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको लोकली उस फाइल को स्टोर करना होता है, उसको सर्च करना होता है, वहाँ से अगर वहाँ पे रिडंडेंसी है, देन आपको हर एक डेटा को वहाँ पे अपडेट करना होता है। लेकिन डेटाबेस के अंदर नो रिडंडेंसी आपको फाउंड होती है। रिडंडेंसी मीन्स होता क्या है कि आपका जो डेटा है, वो एक्चुअली कितनी भी लोकेशंस पे हो, अगर आपने उसको अपडेट किया है, देन वो हर एक लोकेशंस पे अपडेट हो जाएगा, आपके डेटा की रिडंडेंसी आपको नहीं मिलने वाली है। बट इन फाइल सिस्टम, अगर आप एक एक्सेल की फाइल के अंदर आप एक नाम को तीन नाम से सेव कर रहे हैं, एक नाम को तीन जगह आपने सेव कर रखा है, और उस फाइल को किसी अदर नेम से अगर आपने सेव कर लिया, तो भी वो सेव हो जाएगा। बाय द चांस हो सकता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक मैसेज शो कर सकता है कि ये फाइल प्री एग्जिस्ट है पहले से, लेकिन आप उसको किसी और नेम से भी सेव वहाँ पे कर सकते हो। उसका मतलब वहाँ पे आपके डेटा के साथ रिडंडेंसी है। एक्सेल की फाइल के अंदर एक ही नाम का तीन या चार से ज़्यादा डेटा आपका वहाँ पे रिडंडेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, टेबल्स आर यूज टू एक्सेस डेटा। तो आपका डीबीएमएस है, नॉर्मली वो टेबल्स के अंदर आपका डेटा स्टोर करता है। स्कीमा मीन्स ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस। तो यहाँ पे आपका जो डेटा है, वो टेबल्स के अंदर स्टोर होता है, और टेबल्स एक टेबल से, और जो टेबल में जो डेटा होता है, वो मेटा डेटा होता है, मीन्स डेटा अबाउट डेटा, डेटा से रिलेटेड डेटा। एंड फाइल सिस्टम डेटा विल बी एक्सेस थ्रू सिंगल और वेरियस फाइल्स। तो आपका यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा हो सकता है, वो अलग अलग फाइल्स के अंदर आपने रख रखा हो, लेकिन डीबीएमएस के अंदर नॉर्मली आपका जो डेटा होता है, वो सेंट्रलाइज होता है, और एक टेबल के फॉर्मेट में वहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप्स के साथ, हर एक टेबल के साथ आपकी विद फॉरेन की और प्राइमरी की के थ्रू आपका डेटा वहाँ पे स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस मैनेजर स्टोर्स द रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर टेबल्स एंड इन फाइल सिस्टम
ए फाइल मैनेजर इज यूज टू स्टोर ऑल रिलेशनशिप इन डायरेक्टरीज। तो देखो नॉर्मली जो DBMS होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जिसको बोलते हैं, वो आपकी जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं उनको किस प्रकार से परफॉर्म करना है, वो सब कुछ, कौन से डेटा को किस प्रकार से किस फॉर्मेट में आपको स्टोर करना है, कौन से डेटा को किस टेबल में सेंड करना है, कौन सी टेबल की किस टेबल के साथ रिलेशनशिप्स प्रोवाइड करवानी है। लाइक जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अपना फॉर्म फिल कर रहे हो, देन आपका जो डेटा एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है DBMS के अंदर, देन उस यूनिवर्सिटी की जो टेबल है वो आपके जो डेटा है उसके फॉर्म नंबर के साथ या कुछ और जो आपका डेटा है उसके साथ लिंक हो जाती है। इट्स मीन्स वहाँ पे प्राइमरी और फॉरेन की का रोल प्ले होता है। बट इन फाइल सिस्टम ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर होता है, वही आपकी फाइल्स को लाइक आपके एक्सटेंशन कौन से देने हैं, किस फाइल को कितना स्पेस देना है नॉर्मली, तो ये सारा यहाँ पे आपका फाइल मैनेजर का वर्क होता है। और यहाँ पे डायरेक्टरीज, आप कौन सी फाइल को कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, तो उसका फाइल का एक पूरा पाथ प्रोवाइड करवाना, ये आपका फाइल मैनेजर का वर्क होता है। लास्ट और इम्पोर्टेंट जो इसका टॉपिक है वो है कंकरेंटली एक्सेस। इट्स मीन्स यू कैन यूज योर डेटा फ्रॉम डेटाबेस इन वन टाइम मल्टीपल एक्सेस, जिसको हम बोल सकते हैं। ओके मीन्स अगर आपका डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूजर वहाँ पे है, लाइक आप FB यूज करते हो, तो ऐसा तो नहीं आप अकेले यूज करने वाले हो, वहाँ पे उसके डेटाबेस के साथ बहुत सारे यूजर है जो कंकरेंटली उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका DBMS है वो आपको कंकरेंट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन फाइल सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। अगर फाइल सिस्टम में एक साथ आप मल्टीपल फाइल्स को यूज कर रहे हो होते हो एक ही फाइल को, तो देन वो रिडायरेक्ट कर देता है आपकी फाइल्स को सर्च करने के ऑपरेशन को, अदरवाइज आप वहाँ पे इजीली उसको सर्च नहीं कर पाओगे। बट हियर इन DBMS वी कैन सर्च आवर डेटा इन ए सिंगल टाइम, मीन्स सिंगल टाइम में हम मल्टीपल अपना जो यूजर एक्सेस है या जो यूजर है वो मल्टीपल आपके डेटा को मल्टीपल टाइम या मल्टीपल यूजर कह सकते हो आप, वो आपके डेटा को एक्सेस कर रहे होते हैं। तो ये नॉर्मली आपका था DBMS वर्सेस फाइल सिस्टम। आई होप दिस वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो you can subscribe my channel. Thanks to watching this video. Okay friends, bye.